नमस्कार साथियों, आज हम बात कर लेते हैं भाई पासपोर्ट से रिलेटेड, क्योंकि हर वो इंसान जो इंडिया से बाहर जाना चाहता है उसको पासपोर्ट की सख्त जरूरत होती है। बिना पासपोर्ट वो फ्लाई नहीं कर सकता, आप सबको पता है, ये बात बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे एक ऐसा माजरा निकल के आया है कि आप लोगों को भी जानना ये जरूरी रहेगा कि मैं बता दूं, पासपोर्ट आपका कई बार गुम जाता है। सोचने की बात है, ध्यान से सुनने की बात है, यहाँ पे प्रैक्टिकल हुआ है, मैं पूरी स्टोरी आगे बताऊंगा कि कैसे क्या हो गया। पासपोर्ट आपका कई बार क्या होता है, आप रख के भूल जाते हैं, गुम जाता है, कई बार इंटरव्यू में चले जाते हो, जेब से गिर जाता है, ऐसा कुछ होता है। कई बार क्या होता है कि आपके परिवार का ही कोई आपका पासपोर्ट छुपा लेता है, ठीक है, और उस दौरान आपके माइंड में क्या आता है, पासपोर्ट दूसरा बना लेते हैं। तो एक ऑनलाइन FIR करवाई या किसी एजेंट के थ्रू आप पासपोर्ट दूसरा बनवा लेते हैं, 3,000 के करीब लगेगा, तो आप सबको पता ही है। लेकिन उस दूसरा पासपोर्ट बनवा के आप विदेश पहुंच जाते हैं, ठीक है, और पीछे से आपकी शिकायत हो जाती है कि भाई पासपोर्ट तो इनका ये पड़ा, पासपोर्ट तो इनका ये पड़ा, दूसरा पासपोर्ट कैसे बना दिया। या फिर आपके परिवार का कोई सदस्य, कोई आपकी यूं होती है, समझ रहे हो बात को, तो आपकी शिकायत कर सकता है। ये माजरा कैसे निकल के आया मैं बता दूं, पूरी स्टोरी बताएंगे, आपको भी ध्यान रखने की बात है। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर जरूर करते हैं, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो करके रखें ताकि हर रोज आपको गल्फ कंट्रीज से रिलेटेड नई नई अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। क्या एक पति पत्नी और उनका बच्चा इंडिया में थे, ठीक है, उनके पति पत्नी में आम बात है, झगड़ा होना कोई बड़ी बात नहीं है, सब सब में ही हो जाता है, कोई इसको छोटा सा इश्यू है, कोई बड़ा इश्यू नहीं है। पति पत्नी पति से झगड़ा करके अपने बच्चे को लेके मायके चली जाती है, ठीक है, कि भाई मैं कुछ भी रीजन है, जो भी होता है, अब हस्बैंड उनका का थोड़ा टाइम निकल जाता है, ये हकीकत है, ये न्यूज निकल के आ रही है, वो मैं आपको मेरे शब्दों में बयां कर रहा हूँ, ठीक है। पति को ये लगता है कि अभी टाइम हो गया 3, 4, 5, 6 महीने, तो नॉर्मल उनकी स्थिति हो जाती है, तो वो कॉल करता है कहां पे, अपने ससुराल में, ठीक है, अपनी पत्नी के पास। तो वहां से उनको पता लगता है कि उनकी पत्नी इंडिया में नहीं है, वो कुवैत कुवैत चली गई है, ठीक है, अपने बच्चे को साथ में लेके। तब तो उसके माइंड में दिमाग में आता है, यार पासपोर्ट तो मेरे पास था, बच्चे का पासपोर्ट, उसके उनके 1 साल का बच्चा होता है, बोलता है बच्चे का पासपोर्ट मेरे पास था, बच्चा कुवैत कैसे पहुंच गया, चलो उनकी वाइफ तो पहुंच सकती है, समझ में आता है। ले भाई उसने दिमाग लगाया, वो पहुंच गया एम्बेसी में, अपने नियर में जहां भी उनकी एम्बेसी थी, इंडियन एम्बेसी, इंडिया में पहुंच गया, ठीक है, पासपोर्ट ऑफिस में, कि भाई मेरे पास मेरे बच्चे का पासपोर्ट है, जो 1 साल का बच्चा है उसका पासपोर्ट मेरे पास है, और वो बच्चा कुवैत कैसे पहुंच गया। तो आप सोचने की बात हो जाती है, ऐसे कैसे हो सकता है। तो उन्होंने फिर उनके नाम से उनकी पासपोर्ट, अब उन्होंने क्या किया, उनके नाम से जो नोटिस निकाल दिया, उनकी वाइफ के नाम से, बच्चे के नाम से, जिस एड्रेस पे उनका दूसरा पासपोर्ट बना था, ठीक है, और उन्होंने कुवैत इंडियन एम्बेसी को भी मैसेज कर दिया, यहां से ईमेल कर दी कि भाई ये ऐसे ऐसे कोई मैटर है। तो वो कुवैत इंडियन एम्बेसी जो कुवैत में थी, उसने उसको बुला लिया, किसको, जो वहां पे लेडीज थी, क्योंकि ये तो पूरा ऑन रिकॉर्ड होता है, एम्बेसी के थ्रू पूरा रिकॉर्ड होता है आपका पासपोर्ट का, ये हमेशा ध्यान रखें। उसने उस लेडीज को वहां पे बुला लिया कि भाई ये क्या मामला है। तो उसने ये बताया कि भाई मेरी मेरे पति से लड़ाई हो गई थी, तो मैं उसका घर छोड़ के मेरे घर आ गई, और मैंने वहां से मेरे पति को फोन किया था कि बच्चे का पासपोर्ट नहीं मिल रहा है, बच्चे का पासपोर्ट कहाँ है। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया कि मुझे नहीं पता, कहीं गिर गया होगा, गुम हो गया होगा, मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है। तो ये सोचते हुए फिर मैंने मेरे बच्चे का दूसरा पासपोर्ट बनवा लिया, ठीक है, इस आधार पर हम कोविद आ गए। अब इंडियन एम्बेसी ने वहां पे उसको क्या, आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए, आप 1 साल के बच्चे को वापस इंडिया रिटर्न कर दिया। जी हाँ, आप बताइए, क्योंकि दो पासपोर्ट बन गए, पहले वाला पासपोर्ट यहाँ इंडिया में एम्बेसी में पासपोर्ट ऑफिस में जमा, उधर वाला उनके पास दूसरा पासपोर्ट, एक बच्चे के नाम से दो पासपोर्ट हो गए। वाइफ ने ये हवाला दिया कि भाई पति से मेरी अनबन थी, उसने पासपोर्ट नहीं दिया, तो मैंने इसके खोने की रिपोर्ट लिखाई कि भाई बच्चे का पासपोर्ट खो गया, तो मैंने दूसरा बनवा लिया। हालांकि एक एक हद से देखा जाए तो सही भी है भाई, पासपोर्ट मान लो गुम हो जाता है, वो 6 महीने बाद, साल भर बाद मिल जाता है, तो क्या पहले वाले पासपोर्ट पे कार्रवाई होती है। मुझे जहां तक लगता है नहीं होना चाहिए, लेकिन मैटर यहाँ पे उस एंगल से नहीं सोचे, मैटर यहाँ पे था बच्चे का, जो 1 साल का नाबालिग था, और उसके पापा ने, उसके फादर ने शिकायत की थी, तब एम्बेसी ने ये एक्शन ले लिया। तो कहने का मतलब आपको क्या शिक्षा मिलती है इस मैटर से, कि भाई आपके साथ ऐसी कोई घटना हो और आप अपने परिवार में किसी का दूसरा पासपोर्ट बना लो कि भाई तू तो ये रख ले, हम तो दूसरा बना लेंगे, तो इससे बेस्ट है कि उसकी शिकायत करें, भाई इसके पास पासपोर्ट है, ये नहीं दे रहा हमें, इसलिए हम दूसरा बनाना चाहते हैं। इस तरह का कुछ लीगल एक्शन, मतलब अपने वकील के माध्यम से या फिर कोर्ट एफिडेविट बनवा के वहां पे आपको सबमिट करना चाहिए, ताकि आगे ऐसी कोई घटना आपके साथ न घट सके। अब 1 साल का बच्चा वापस इंडिया आ गया, वहां की इंडियन एम्बेसी ने उसको आदेश दे दिया,
और उसका अब एक साल का बच्चा कैसे आया ये इसमें मेरे पास जानकारी नहीं है। एक साल का बच्चा तो खुद नहीं आ सकता, उसकी मदर उनके साथ आई होगी, ऐसे ही हो सकता है। 10 साल से नीचे बच्चे को तो अकेले ट्रेवल का अलाउ नहीं है, आप सबको पता ही होना चाहिए। तो ऐसी घटना हो जाती है तो आप भी इन चीजों से ध्यान रखने की बात है कि भाई कोई आपसी आपकी कोई रंजिश हो जाती है परिवार में, लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो आप भी ऐसे कदम उठा लेते हो तो दिक्कत आ सकती है। तो आपको इन चीजों का सावधानी से ध्यान रखना चाहिए। बस ये छोटी सी अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद।